हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ टिस्ना। सभी को मेरी प्यारी भाई नमस्ते। आज मेरी वीडियो टॉपिक है पिटूनिया गार्डन। मेरा पिटूनिया हैंगिंग गार्डन अभी कैसा हालत में है, कैसे फ्लावरिंग हो रही है, कितनी खूबसूरत प्लांट्स आ रही है, वही आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने जा रही हूँ। मेरी पिटूनिया गार्डन को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को सभी फ्लावर के बारे में टिप्स देने के लिए और मैं कैसे ग्रो करती हूँ सभी बातें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैं मेरा पिटूनिया गार्डन कितनी खूबसूरत से ब्लूमिंग हो रही है आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। पिटूनिया ऐसा फ्लावर है, विंटर फ्लावर, विंटर टू स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा ब्लूम होती है। बहुत ही आसानी से चीज़ ग्रो कर सकती है। ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर दे सकती है, ऑर्गेनिक केमिकल कोई भी फर्टिलाइजर दे सकती है। और ज़्यादा फूल पाने के लिए पिटूनिया फ्लावर में आप डीएपी फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकती है। डीएपी फर्टिलाइजर दीजिए और बहुत खूबसूरत ज़्यादा फूल खिला सकती है आप। इसमें ज़रूर डीएपी फर्टिलाइजर दीजिए और सुपर फॉस्फेट पोटास ऐसा खाद दे सकती है। बहुत ही आसानी से इस प्लांट को आप आपके गार्डन में लगा सकती है। देखिए कितनी खूबसूरत से फूल खिल रही है, कितनी ब्यूटीफुल है। हैंगिंग बास्केट में बेस्ट होती है पिटूनिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा खूबसूरत देखती हूँ हैंगिंग बास्केट में। आप भी लगा सकती हैं और उसको क्योंकि हैंग करके रखना पड़ता है, इसीलिए कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। एक बेम्बू से दोनों साइड पिटूनिया फ्लावर को ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए। कोई भी न्यू गार्डनर है तो मेरे चैनल पर आप लोगों को इस बात को मैं बता रही हूँ, उसको ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। आप सीचो पिटूनिया फ्लावर को जर्मिनेट कर सकती है। आपको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती है पिटूनिया फ्लावर की सीप, और नर्सरी से भी आप ले सकती है। डबल और सिंगल दोनों पैटर्न आप लोगों को पिटूनिया फ्लावर आसानी से आप खरीद सकती है और लगा भी सकती है। कम ज़्यादा महंगा दाम नहीं है, ज़्यादा उसको खर्चा भी नहीं है। देखिए कितनी खूबसूरत से इतना डबल बटन के पिटूनिया है, आपको इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। डबल और सिंगल बटन के पिटूनिया ज़्यादा फूल खिलती है और आसानी से आप लगा सकती है विंटर फ्लावर। विंटर टू सीजन स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा फूल खिलती है। मई जून तक आपका गार्डन में इस फ्लावर को रख सकती है, लेकिन जब फूल खिलेगी तब आप उसको बारिश से बचा के रखना चाहिए। इस फ्लावर की ऊपर में कभी पानी गिरने मत दीजिए, नहीं गिरना चाहिए पानी।
बारिश से उसको बचा के रखिए, तब आपके गार्डन में पिटोनिया फ्लावर लॉन्ग टाइम रहेगी। मई जून तक आप रख सकती है गार्डन में, और इस फ्लावर की खूबसूरती आप खुद एंजॉय कर सकती है। स्वीट स्मेल भी है। इवनिंग जब आपका गार्डन में आप बैठेगी, तब इसी इस फ्लावर की सुगंध स्मेल, खूबसूरत स्वीट स्मेल आप ले सकती है। बहुत ही वेराइटीज कलर में इस फ्लावर मिलती है, इसलिए विंटर की बेस्ट फ्लावर पिटोनिया। और हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा खूबसूरत लगती है, आप खुद देख रही है। मैं इस फ्लावर की विंटर सीजन में ज़्यादा इस फ्लावर की खूबसूरत एंजॉय कर करती हूँ सभी साल, और सभी साल मैं आप लोगों को न्यू टिप्स दे के आ रही हूँ। आप मेरा सभी पिटोनिया फ्लावर की वीडियो आप देख सकती हैं मेरे चैनल पर। आप सभी मैं कैसे ग्रो करती हूँ, कब मैं उसको खाद देती हूँ, कितनी दिन के बाद, सभी बात मैं आपको पहले भी दिखा रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत है हैंगिंग बास्केट में। आप लोगों को इसीलिए मैं पिटोनिया फ्लावर को दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ भी केयर नहीं चाहिए। धूप में जो डायरेक्ट सनलाइट प्लेस में इस फ्लावर को रखिए, और ज़्यादा फ्लावर खिला सकती है, ज़्यादा प्लस देती है इस फ्लावर, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। और इवनिंग इस प्लांट के नीचे पानी दीजिए। आज के लिए नमस्कार।